हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक द न्यू एपिसोड गाइज। एंड आज की ब्लॉग अलग टाइप का, अलग किस्म का होने वाला है। एंड आज का मौसम कुछ अलग ही टाइप का है। बहुत सारे लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम के एंड फेसबुक पे एंड यूट्यूब पे भी मैसेज किया था कि भाई आपका सेटअप क्या है, आप किस चीज़ से प्रयोग करके वीडियो बनाता है, आप किस से एडिट करते हैं, वो सारी सेटअप मुझे बतला दो। तो मैंने कहा उनसे कि भाई आप पूछो और हम नहीं बताए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज के वीडियो में हम वही दिखाने वाला है कि मैं कौन कौन चीज़ का प्रयोग करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, बेल आइकन को दबा दो। चलिए फाइनली दोस्त, हम अपने रूम पे आ गए 12 घंटा काम करके। एंड चलिए जो हम अपना सेटअप दिखाते हैं, जो कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, वो पूरा सारी सेटअप मैं दिखाने वाला हूँ। एंड यही हमारा रूम, हम यहीं पे रहते हैं और भाई ना कंपनी का रूम है, कोई पर्सनल रूम नहीं है कि हम अकेले रह सकते हैं। यहाँ पे ना 5-6 जना रहते एक ही रूम पर और यही रूम पर यहाँ पर खाना वगैरह पकाते हैं यहाँ पर। तो हमारा सेटअप वहाँ नीचे रखा हुआ है और दिखाते एक एक करके सेटअप है दोस्त। एंड ना मेरे रूम पे ना थोड़ा लाइट कमज़ोर है, तो थोड़ा वीडियो अच्छा नहीं बनेगा शायद। एंड मेरे पास ये है 3 और एक जो मैं अभी बना रहा हूँ, जो पे जुन लिया हूँ, कुछ तार वगैरह पे लटकाया हूँ। मेरे पास ये 3 है, तो मैं 3 को एक एक स्टेप करके मैं बताने वाला हूँ कि ये प्रयोग इसको कैसे करते हैं। और ये माइक है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, बया का माइक है। तो एक एक करके मैं बताने वाला हूँ कि ये काम कैसे करते हैं, इसे कैसे ब्लॉगिंग करते हैं। फिलहाल मैंने ये 2-3 महीना पहले लिया था और ये भाई ना फ्लिपकार्ट पे बहुत जाली सामान आता है। ये मतलब फोल्डिंग करता हूँ तो ये जो बाहर का भाग है ना, ये सारे निकल जाते हैं यहाँ पे और ये ऐसे फोल्डिंग होता है। देखिए, मैंने सोचा था कि काफ़ी बड़ा होगा, बट ये उतना बड़ा नहीं, जितना मैं सोचा था उतना बड़ा नहीं है। और इसका प्राइस लगभग मेरे को 350 पड़ गया। और ये है भाई, इसी से मैं ना थोड़ा अपने बेंच पे बैठ के और रूम पे बैठ के मैंने ब्लॉगिंग करता हूँ इससे, जो कि कोई नहीं है ना, तो भाई ये काम लगता है ब्लॉगिंग करने के लिए। और चलिए दूसरा दिखाता हूँ मैं। एंड भाई दूसरा ये है, जो कि मेरे को ना बहुत अच्छा लगा और इसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, 550 रुपये। और इसको ना फोल्डिंग करके चारों तरफ घुमा सकते हैं ये वाला को। ये देखिए, चारों तरफ इसको घुमा सकते हैं। और ये जो ये खाँच दिख रहा है ना, आप इसमें मोबाइल लगते हैं ना, तो भाई कभी भी खसेंगे नहीं, क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और इस त्रिपॉड को ना बड़े बड़े यूट्यूबर भाई लोग हैं जो ना इस्तेमाल करते हैं, और मैंने देखी कि यूट्यूब में मैंने किना हूँ। और ये देखिए, चारों तरफ कहीं भी इसको ना लटका सकते हैं, झुंडिया के अपने ब्लॉग शूट करते हैं। तो भाई ये बहुत अच्छा है और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये वाला। तो भाई फाइनली इसको ना मैंने यूज़ करके देख लिया कि काफ़ी अच्छा है ये, आप खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट में, जो कि फ्लेक्स लाइट त्रिपॉड इसका काम करता है। तो चलिए अब तीसरा दिखाने वाला हूँ, जो है ये है, जो चिन्ना साइज बोलता है, जो छोटा साइज बोलता है, तमिल में चिन्ना साइज करता है। तो ये है हमारा छोटा, जो कि फिलहाल ही में लिया था एंड मजबूरी में लिया था, जो नहीं था हमारे पब्लिक में ब्लॉग करने के लिए, तो मैंने ये लिया था, इसको प्रयोग किया था। एंड जो चौथा है, जो हमारे अभी मैं ना बना रहा हूँ ब्लॉग, तो वो झुंडिया हुआ है, मतलब तारों में लटका हुआ है। तो भाई इतना ही त्रिपॉड है हमारे पास। एंड पूरा अभी मैं दिखाने वाला हूँ चारों को, चारों जो कि मेरे पास है मैं वही है और इसी से मैं ब्लॉग बनाता हूँ। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है और फिलहाल मैं ले ही रहा हूँ धीरे धीरे। ये भाई 1 और ये 2 और ये 3, तो भाई 3 ही त्रिपॉड है और ये एक झुंडा हुआ 4, मेरे पास 4 ही है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं खरीद ही रहा हूँ मैं, और ख़रीदने के बाद आप सबको दिखाऊँगा फिर से। तो आज के ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक ले बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।